हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और आज के इस वीडियो में हर एक वीक की तरह हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए जो भी सेटअप अच्छे होंगे, एफएनओ कैश या फिर इंडेक्सेस पे चेक करेंगे, सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज एक रिक्वेस्ट होगा, फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मोटिवेशन मिलेगा। और जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक छोटा सा कॉमेंट करके जाइए, मोटिवेशन मिलता है, इससे काफी अच्छा लगता है। तो एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि आप जब वीडियो पूरा देखें, हालांकि कई लोग पूरा देखते नहीं है, लेकिन जितना भी देखें आप एक कमेंट छोड़ के जाइए वीडियो के नीचे कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे मुझे एक नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करने के लिए ये मोटिवेशन रहेगा। और एक चीज, इस संडे को जब आप ये वीडियो देखेंगे, सैटरडे कल देखेंगे, आई एम रिकॉर्डिंग अ डे अगो, सो आप जब देखेंगे 22 जैन को 1 बजे वी हैव अ सेशन, फ्री सेशन है। आप मेरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहीं से वो सेशन आप ज्वाइन कर पाएंगे। और Q&A भी होगा, 52 वीक हाई ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और स्कैनर भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप मेरी एप्लीकेशन अंकुर पटेल डाउनलोड कर लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे लिंक मिल जाएगा आपको ऐप डाउनलोड करने का, तो आप संडे को वो सेशन भी ज्वाइन कर पाएंगे। और शुरू करते हैं आज के जो सेटअप, जो सबसे पहले जो एफएनओ के सेटअप्स है उसमें सबसे पहला है HDFC लिमिटेड। अगर आप देखें तो काफी टाइम से HDFC साइडवेज चला गया था, और अगर आप देखें तो ये फाइनली पहले भी कुछ वीक इसने अटेम्प्ट किया था, अभी नीचे जाके फिर से एक ट्राई किया है। तो आई फील कि ये एक जोन काफी बड़ा हो चुका है, काफी बड़ा कंसोलिडेशन है, 7-8 वीक का शायद कंसोलिडेशन होगा ये, और उससे भी ज्यादा है। तो ये HDFC लिमिटेड आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। अगर आप एफएनओ ट्रेडर हैं या फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आप ये देख सकेंगे कि HDFC लिमिटेड आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में अगर आप देखें तो यहाँ भी एक छोटा सा जोन, एक क्लस्टर बना है, पिछले कुछ दिनों से स्टॉक कहीं पे नहीं गया, तो आई फील कि यहाँ पे कुछ एक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। और यही होता है, आप देखिए एक ऊपर जाता है फिर थोड़ा साइडवेज जाके फिर एक फिर से अपर मूव आया, फिर स्टॉक कहीं नहीं जाता, अगेन यहाँ पे एक टाइनी एक्शन हुआ और फिर से मूव आया। तो आप यहाँ पे एक वो देख पाएंगे, इनसाइड बार भी बनाया, तो अगर आपको इनसाइड बार का वीडियो नहीं आपने देखा तो वो भी आप जाके देखिए, और चैनल पे ही है, तो इसको ट्रेड करिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को। और एक स्टॉक श्री सीमेंट, जो मैंने लास्ट वीक भी कवर किया था, जैसा अभी तक है इस चार्ट के ऊपर कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न एक अटेम्प्ट किया है इसने, ऑलरेडी एक अटेम्प्ट इसके ऊपर किया है जो फेल हुआ, तो आई सजेस्ट कि 1 या 2 दिन इसका वेट करिए, अगर इस जोन के ऊपर रहता है तो यहाँ पे एक मूव मिल सकेगा आपको। तो श्री सीमेंट एक आपकी वर्कलिस्ट में होना चाहिए एफएनओ से। और एक स्टॉक जो लास्ट एफएनओ से है वो है IDFC लिमिटेड। अगर आप देखिए यहाँ पे भी तो IDFC लिमिटेड में क्या हुआ, एक मूव आया यहाँ से, इसके बाद स्टॉक साइडवेज चला गया कुछ दिन के लिए, इसके बाद मूव आया, यहाँ पे 3 या 4 दिन से स्टॉक एक साइडवेज पे हुआ है। तो ये एक स्टॉक भी आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए IDFC लिमिटेड एफएनओ से। सो ये थे एफएनओ स्टॉक। और बात करते हैं इंडेक्सेस की, अगर इंडेक्सेस में देखें तो सबसे पहले जो टॉप पे मुझे लगा CPSE, अगर आप देखें तो एक ब्रेकआउट के काफी करीब है। आइडियली आप ये वेट करिए कि यहाँ पे थोड़ा एक कंसोलिडेशन मिल जाए, क्योंकि इसने ऑलरेडी इतना मूव दिया है कंटिन्यूअस ना, 3% है, लेकिन ये सेक्टर ने मूव दिया तो 3% भी बहुत ज्यादा होता है। अगर सेक्टर ने 3% का मूव दिया तो आप वेट करिए, या फिर इसके जो स्टॉक्स होते हैं उसमें जाके देखिए और वेट करिए इस ब्रेकआउट का। अगर कंसोलिडेशन मिलता है तो बेस्ट है, अदरवाइज आप अगर ब्रेकआउट ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर है, तो आप ट्रेड कर सकते हैं इस इंडेक्स के स्टॉक में। और जो है PSE, वहां पे भी सेम वही सेटअप, देखिए वीकली पे जो मेटल पे हमने देखा था कुछ वीक पहले, वही सेटअप यहाँ पे आपको दिख रहा है कि PSE में भी वही सेटअप है। तो ये दो सेक्टर आपकी वॉचलिस्ट में होने चाहिए, या इसके जो भी स्टॉक है जाके चेक करिए, एक सेक्टर वाइज लिस्ट बना दीजिए और वहां पे जाके चेक करिए, दोनों 10 एंड 20 के ऊपर है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, अगर फाइनेंशियल सर्विस में देखें तो 10 एंड 20 के पास है, लेकिन कुछ खास एक्शन है नहीं, एक फेल हुआ है। अगर आइडियली अगर इसके ऊपर टिकता है, इस जोन के ऊपर जो एक छोटा सा सपोर्ट जैसा है अभी इसके ऊपर टिकता है तो हम कुछ एक्शन देखेंगे, बट जिस हिसाब से CPSE और PSE उस हिसाब से नहीं है। PSU बैंक अगेन मेरा सेम वही स्टैंड रहेगा कि अभी भी 1 और वीक या 2 और वीक में PSU बैंक में कोई भी ट्रेड नहीं देखूंगा,
आपको लग रहा होगा भागे हुए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक अच्छे रन के बाद एक अच्छा ब्रीदर चाहिए, तो पीएसयू बैंक में कंप्लीटली अवॉइड करूंगा। सर्विस सेक्टर ये 10 and 20 के ऊपर है, और यहाँ पे अगर आप 2 या 3 दिन के कुछ एक्शन मिलती है टाइट, तो आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं कि सर्विस सेक्टर के स्टॉक के अंदर। नेक्स्ट एनर्जी सेक्टर, आप देखिए धीरे धीरे जो पिछले 2 या 3 वीक से स्टॉक या सेक्टर जो नीचे थे, अभी धीरे धीरे आप ऊपर 10 and 20 के ऊपर आने लगे, और मूव भी आपको मिल रहे हैं, ब्रेकआउट भी इस वीक में ब्रेकआउट पर्टिकुलरली अच्छे ट्रेड हुए, तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि भाई हाँ मार्केट इस तरफ जा रहा है, या फिर आपके ट्रेड, अगर आप स्टॉक ट्रेडर है तो आपको ट्रेड कैसे करने चाहिए, कितनी साइज करनी चाहिए, वो सारा आपको मिलेगा यहाँ से। नेक्स्ट जो है आईटी, एंड अगेन चार्ट आईटी का है, जो मैंने बताया था कि अभी तक 9 दिसंबर की कैंडल, दिस इज द फियरफुल कैंडल फॉर मी, ये कैंडल अभी तक नहीं निकली, तो मैं आईटी में अगर ट्रेड करूंगा भी तो भी 1 या 2 दिन के लिए मैं कर दूंगा, या सेम डे में क्लोज कर दूंगा, बिकॉज जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा, जो यहाँ से 500-700 पॉइंट दूर है, मैं वेट करूंगा। अगर वो क्रॉस होता है उसके बाद आईटी में एक अच्छा मूव मिलेगा, बिकॉज ये एक बड़ी बियर कैंडल है, तो वेट करना बेटर है अगर आप ट्रेडर है तो। सिंपली निफ्टी 500, हालांकि निफ्टी 500 आज थोड़ा ऐसा दिख, लेकिन जिस हिसाब से ट्रेड सस्टेन हो रहे बेटर है, हो सकता है कि नेक्स्ट कमिंग वीक्स में मार्केट अच्छा हो जाए, क्योंकि ब्रेकआउट सस्टेन होने लगे, सेटअप अच्छे मिलने लगे, तो हम देखेंगे यहाँ पे भी कुछ चेंज हो। निफ्टी ऑटो 10 and 20 के नीचे फिर से, और अगेन अगर आप देखें जो मैंने आईटी में बताया, वही एक ऐसा कैंडल आप अगर यहाँ पे देखेंगे, ये कैंडल जो मैं बेरिश कैंडल बोलता हूँ, और जहां पे इतना बड़ा बेयर एक्शन हुआ, तो आइडियली आप यही कि भाई इसके ऊपर ना जाए तब तक, बड़ा स्विंग के लिए अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि या फिर इसके आसपास अगर आप नीचे से ले भी रहे तो इसके आसपास आते ही स्टॉक में से एग्जिट कर लिया करें, अगर आपके पास ऑटो के स्टॉक हो तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। स्मॉल कैप इंडेक्स अगर जाके देखें, अभी भी कुछ भी इतना बड़ा खास नहीं लग रहा है, 10 and 20 के नीचे है, तो अवॉइड करें स्मॉल कैप्स। इंफ्रा, इंफ्रा में मैं बताऊंगा, इंफ्रा या रियलिटी में अगर आप देखें, इंफ्रा के साथ रियलिटी भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ सेटअप मुझे लग रहे हैं जो हम आगे कैश में बात करेंगे, हालांकि 10 and 20 के नीचे, 10 के नीचे 20 के ऊपर कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको यही देखना होगा कि कितने सेटअप आपको इस सेक्टर से मिल रहे हैं। कमोडिटीज, जिस तरीके से मेटल में हमने लास्ट वीक बताया था, उस टाइम पे कमोडिटीज में भी बताया था, तो कमोडिटीज एक है अभी भी 10 and 20 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, कुछ जो रेयर स्टॉक सेक्टर्स है वो मेंटेन करे, तो आपको वहां पे फोकस करना। रियलिटी की हमने बात कर ली। नेक्स्ट इज फार्मा, फार्मा कंप्लीटली अवॉइड, कोविड की पिछले कुछ महीने, लास्ट कुछ वीक्स में कोविड की बात हुई थी कि फिर से आ रहा है वो वगैरह, लेकिन फिर से वहां पे सेल ऑफ आ गया, तो फार्मा को अवॉइड कर लिया। अगर आप सेक्टर ठीक तरीके से सिलेक्ट करने लगे तो आपका ट्रेडिंग वैसे भी इंप्रूव हो जाएगा, अगर आप राइट सेक्टर में होगे तो आपको एक एड ऑन बूस्ट मिलेगा अपने स्टॉक के अंदर, तो सेक्टर का सिलेक्शन हमेशा ठीक तरीके से करिए, स्टॉक के अंदर जाके देखिए, और वो आपके लिए काफी इजी रहेगा। मिड कैप, यहाँ पे कुछ और सीन करा है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ब्रेकआउट मिल रहे हैं, तो आप जाके यही देखिए कि 10 and 20 के ऊपर कौन से हैं, और वही मिड कैप ट्रेड करिए। मेटल, मेटल में वही प्राइस एक्शन चालू है, ऊपर जा रहा है, नीचे 10 and 20 से बाउंस हो रहा है, तो अगर मेटल में जैसे आज जीएसएल, हिसार, जीएसएल जो चले थे, तो हाँ, लेकिन दोनों स्टॉक काफी दूर है, काफी एक्सटेंड है, तो ट्रेड करना नहीं बनता, और मेटल में वैसे भी इतना मूव हुआ, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक सेक्टर डिफरेंस हो, सेक्टर चर्निंग हो, और कोई सेक्टर टेक ओवर करे। एफएमसीजी, यहाँ पे आई डोंट फील कि कोई एक्शन हो ऊपर से, यहाँ अगर आप देखें तो एक प्रेशर हो जाएगा कि अभी यहाँ इसके आस पास जो सपोर्ट बनता है, अगर यहाँ जैसे आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं हमेशा यही कहता हूँ क्योंकि मैं इस पैटर्न को ट्रेड नहीं करता, लेकिन अगर आप देखें तो एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा निफ्टी सी एफएमसीजी के अंदर, तो ये काफी बेयरिश साइन है, अगर ये पैटर्न प्ले आउट होता है तो हो सकता है कि स्टॉक्स में सेल ऑफ आए एफएमसीजी के मेनली। नेक्स्ट इज कंजप्शन, अगर एफएमसीजी वीक है तो कंजप्शन में वही होगा, और दोनों अवॉइड करना है, और एमएनसी अवॉइड करना है, मीडिया, मीडिया भी अवॉइड करना, तो ये हो गई आपकी सेक्टर की लिस्ट। आप नेक्स्ट वीक में आपको जैसे मैंने बताया सीपीएसई, पीएसई, और मैंने बताया आपको फाइनेंशियल सर्विस, यस फाइनेंशियल सर्विस, जो भी सेक्टर 10 and 20 के ऊपर है। इंफ्रा रियलिटी, इसके स्टॉक के बारे में बात करते आगे हम, तो
इतने सेक्टर है, दो चार सेक्टर है, उस सेक्टर के लिस्ट देखिए, आईटी अवॉइड करिए। एफएमसीजी में अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो एफएमसीजी में शायद जाके देखिए अगर आपको कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये कुछ अपडेट थी नेक्स्ट वीक के लिए इंडेक्सेस के बारे में। अब हम जाके चेक करते हैं कैश स्टॉक्स के लिए। कैश स्टॉक में सबसे पहला जो मुझे अच्छा लगा वो है एपटेक, नो डाउट। मैं ऑलरेडी दो बार ट्राई कर चुका हूँ इसमें, तो अगर आप मानते मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है तो हाँ 100% है। इसीलिए आप इसको टिप्स लेके ना चले और इसको स्टडी समझ के चले। तो एपटेक एक अच्छा सेटअप है जो काफी, एक जैसा मैंने हमेशा बताया कि बड़े मौके बाद स्टॉक साइडवेज गया है और यहाँ पे एक सेटअप डेवलप हो रहा है, तो एपटेक आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्नाइडर इलेक्ट्रिक। अगर आप स्नाइडर इलेक्ट्रिक को देखें तो अगेन वही है, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक साइडवेज गया है और यहाँ पे अब ये आपकी लिस्ट में होना ही चाहिए। जैसे मैंने कुछ वीक पहले उषा मार्टिन के बारे में बताया था, तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक आपकी वॉचलिस्ट में होना ही चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। अगर ये सेटअप लेआउट होता है तो आपको एक अच्छा गेन मिलेगा इस सेटअप से। सो स्नाइडर इलेक्ट्रिक आपकी वॉचलिस्ट में 100% होना चाहिए। और नेक्स्ट जो मैंने बताया इंफ्रा रियलिटी से IRB, अगर आप देखें तो एक काइंड ऑफ, अगर ये नीचे आने के बाद ये VCB जैसा फॉर्म हो रहा है, एक छोटा कर्व यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और साइडवेज चला जा रहा है यहाँ से, तो IRB इंफ्रा आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। इसके साथ ही एक और मैं अगर इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक की बात करूँ, रैमकी आप देखें तो एक यहाँ पे 10/20 के मेंटेन कर रहा है और 318-320 के ऊपर आप एक अच्छा मूव देख पाएंगे, तो रैमकी आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए। ये भी इंफ्रा रियलिटी से जुड़ा हुआ स्टॉक। और जो लास्ट स्टॉक है कैश में वो है ग्रेविटा। अगर आप ग्रेविटा में देखें तो मैंने एक अटेम्प्ट किया था यहाँ पे, आई वाज आउट, बट अगर ग्रेविटा भी एक ऐसा स्टॉक है, लेट्स सी ऑन वीकली एज वेल, ओके ऑल टाइम हाई के आसपास है और ये देखिए इसके ऊपर अगर एक एक्शन लेने के बाद 475 क्रॉस करता है तो एक अच्छा मूव, ये बेस बिल्डअप चल रहा है इसका। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 475 के ऊपर एक अच्छा, ये बिल्कुल यही कर रहा है। देखिए अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर है तो ये नीचे ऊपर, ये नीचे गया फिर एक बाउंस फिर एक हायर लो, इस लो से ये लो ऊपर बढ़ा है, अभी आपको वेट करना है कि इस हाई से इसके ऊपर एक हाई नया बढ़े, तो ग्रेविटा भी आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए। और एक IPO से एक स्टॉक है जो ऑलरेडी ट्विटर पे है, बिकाजी, बिकाजी भी आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए। यहाँ पे भी बिल्कुल वही सीन है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक नीचे ड्रॉप आया यहाँ पे इसका, अगर आप देखिए ये, और इस ड्रॉप के बाद जो सेकंड ड्रॉप आता है वो काफी ऊपर आता है, काफी लाइक कंपेयर टू फर्स्ट करेक्शन द सेकंड करेक्शन इज स्मॉलर, तो ये एक हुआ, तो ये भी आप बीकाजी भी आपकी वॉटलिस्ट में होना चाहिए, एक IPO स्टॉक है। सो ये थी कुछ लिस्ट नेक्स्ट वीक के लिए, जो स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए आपकी वॉटलिस्ट में होने चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके बताया करो कि वीडियो आपको कैसा लगा, और मेक श्योर यू अटेंड ब्रेकआउट ट्रेडिंग का जो सेशन है 52 वीक हाई, वो भी आप अटेंड करिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर टाइम।